जेंडसो क्या हाल है, आ चुका है इंडिया का पहला 5G स्मार्टफोन अंदर 10,000 रुपीज ITEL P55 5G। ITEL P55 में बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्पेक्स दिया गया है। अगर आप लोग हल्का फुल्का गेमिंग करते हो और 10,000 के अंदर एक गेमिंग के लिए अच्छा स्मार्टफोन खोज रहे हो तो ये फोन आप लोग के लिए अच्छा होने वाला है। और चलिए जानते हैं कि आप लोग को क्या क्या स्पेक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इस फोन का बैक और फ्रेम आप लोग को पॉलीकार्बोनेट का देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन का एजेस आप लोग को राउंड टाइप का देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही आप लोग को बॉक्सी स्टाइल में देखने के लिए मिल जाएगा। ITEL P55 5G आप लोग को दो कलर में देखने के लिए मिल जाता है, ब्लू और ग्रीन। 8.4 mm का थिकनेस और 184 ग्राम का वेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात करते हैं पोर्ट एंड बटन के बारे में। तो आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग को सिम ट्रे आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे के साइड आप लोग को माइक्रोफोन, हेडफोन जैक और टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। राइट हैंड साइड के बारे में बात करूं तो आप लोग को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम अप डाउन बटन आप लोग को देखने के लिए मिलता है। ऊपर के साइड आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। डिस्प्ले साइज के बारे में बात करूं 6.6 इंच का HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आप लोग को मिल जाता है Dimensity 6086 NM चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है और ये पहला स्मार्टफोन है 10,000 के अंदर जो इस चिपसेट पे आता है। एंटीटू स्कोर के बारे में बात करूं तो इसमें आप लोग को 3.5 लाख से भी ज्यादा का स्कोर देखने के लिए मिल जाता है। LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि इसमें हल्का फुल्का आप लोग गेमिंग भी कर सकते हैं। BGMI के बारे में इसमें बात करूं तो आप लोग स्मूथ प्लस अल्ट्रा में गेमिंग कर पाओगे। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो आप लोगों को एंड्रॉइड 13 मिल जाता है। अपडेट के बारे में बात करूं तो अभी तक मुझे OS अपडेट के बारे में नहीं पता है, मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में पता है तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। 2 ईयर्स का आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो 5G सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही वाइड लाइन L1 का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के बारे में बात करूं तो आप लोग HD में वीडियो को प्लेबैक कर पाओगे। साथ ही कैमरा 2 API का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.1 और वाईफाई 5 का सपोर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन में आप लोग को 5000mAh का बैटरी और 18W का चार्जिंग देखने के लिए मिल जाता है, यानी एक दिन आराम से यह फोन का बैटरी चल जाएगा। चार्जिंग टाइम के बारे में बात करूं तो 2 घंटा लगता है इसको 100% चार्ज होने में। कैमरा के बारे में बात करूं तो इस फोन में आप लोग 50MP का डुअल कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे आप लोग 2K 40fps वीडियो को शूट कर पाओगे। साथ ही 8MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, इस कैमरा से भी आप लोग 2K 30fps वीडियो को शूट कर पाओगे। प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। 6GB 128GB आप लोग को 10,000 का देखने के लिए मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो कंपैरिजन वीडियो होने वाला है Infinix 030 और IQ G7 Pro के बीच में, और ये वीडियो कल अपलोड होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।